नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। और आइए अब डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। FM सीतारमन ने कहा, क्रिप्टो टैक्स और क्रिप्टो बैन दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। दुनिया के सबसे पहले और पुराने बिटकॉइन माइनिंग पूल ने 1.3 मिलियन बिटकॉइन किए माइन। पोलकाडॉट पैराचेन एस्टर ने $100 मिलियन के बूस्ट इंसेंटिव प्रोग्राम को किया लॉन्च। टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में फिलीपीन क्रिप्टो एक्सचेंज ने फंडिंग राउंड में जुटाए $50 मिलियन। वैनिक के मुताबिक स्टेबल कॉइन्स को बैंक्स नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट फंड्स के रूप में देखना चाहिए। दक्षिण कोरिया के $200 बिलियन वेल्थ फंड ने मेटावर्स की तरफ बढ़ाए कदम। WWF ने कड़ी आलोचना के बाद NFTs की सेल्स पर लगाई रोक। $4.6 बिलियन के बिटफिनिक्स बिटकॉइन स्कैम की सस्पेक्ट की NFTs हुई OpenSea से गायब। FarmVille क्रिएटर जिंगा 2022 में लॉन्च करेंगे अपनी NFT गेम्स। FM निर्मला सीतारमन ने फ्राइडे को कहा कि सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लाने का सोवरेन राइट है। FM ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की लेजिटिमेसी पर कांग्रेस मेंबर छाया वर्मा द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कहा कि क्रिप्टो को बैन करना है या नहीं, ये फैसला कंसल्टेशन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा। दरअसल सीतारमन ने 1 फरवरी को दिए गए अपने बजट स्पीच में कहा था कि गवर्नमेंट प्राइवेट डिजिटल एसेट से हुए प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगाएगी और एक साल में 10,000 रुपयों से ज्यादा वर्चुअल करेंसीज के पेमेंट पर 1% TDS का प्रस्ताव रखा गया है। TDS की सीमा सालाना 50,000 रुपये होगी। इसके अलावा कोई कटौती नहीं होगी और ट्रांजैक्शन से क्रिप्टो इनकम की कंप्यूटिंग करते समय किसी भी एक्सपेंडिचर या अलाउंस की अनुमति दी जाएगी। साथ ही ये भी स्पेसिफाइड किया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी दूसरे इनकम के बदले सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1% TDS से रिलेटेड प्रोविजंस 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे, जबकि फायदे पर कर लगाया जाएगा जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। ब्रेन स्लश पूल दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना बिटकॉइन माइनिंग प्रोजेक्ट है, जिसे पहले bitcoin.cz के नाम से जाना जाता था। ब्रेन स्लश पूल ने घोषणा की है कि उसने 2010 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग 1.3 मिलियन बिटकॉइंस को माइन किया है। कंपनी किसी दूसरे डिजिटल करेंसी को माइन नहीं करती है, बल्कि अपनी कमाई के लिए 100% BTC माइनिंग पर ही निर्भर रहती है और अपने माइनिंग फर्मवेयर से 2% से 2.5% तक का कमीशन लेती है। ब्रेन स्लश पूल में 15,000 से ज्यादा माइनर्स हैं और इसका टोटल हैश रेट ओवरऑल बिटकॉइन नेटवर्क से के 5 से 8% हैश रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिजिटल करेंसीज की वोलेटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर ब्रेन्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्रिस्टियन ने कहा कि बिटकॉइन एक एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी चाहती है कि ये उसी तरह बना रहे। रिस्ट्रिक्शन सब कुछ धीमा और लेस एफिशिएंट बनाती है। पोलका नेटवर्क के पैराचेन एस्टर नेटवर्क ने लिक्विडिटी प्रोवाइड करने और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपर को फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव प्रोग्राम्स प्रदान करने के लिए $100 मिलियन एस्टर बूस्ट प्रोग्राम फंड की घोषणा की है। प्रोग्राम को $22 मिलियन के माध्यम से फंड किया गया था, जिसे एस्टर ने क्रिप्टो वेंचर कैपिटल फर्म पॉलीचेन और एलमेडा रिसर्च से स्ट्रेटेजिक फंडिंग को जुटाया था। साथ ही साथ नेटिव ASTR टोकन को एलोकेशन भी किया था। पोलकाडॉट अलग अलग ब्लॉकचेन्स को जोड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क है और अपनी मेन रिले चेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का समर्थन नहीं करता है। एस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपर्स के लिए वे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे में एस्टर डेवलपर्स को बिल्ड टू अर्न प्रोटोकॉल द्वारा सपोर्टेड और ASTR में पेड किया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए टोकन अर्न करने देता है। फिलीपीन डिजिटल एसेट एक्सचेंज ने टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $50 मिलियन जुटाए हैं। UBX फिलीपींस के
यूनियन बैंक का वेंचर फंड, किंग्सवे कैपिटल, जंप कैपिटल, यूएस ब्लॉकचेन पेमेंट्स कंपनी रिपल और अन्य ने भी इस राउंड में भाग लिया। फंडिंग का राउंड पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था, जब टाइगर ग्लोबल ने PDAX में $12.5 मिलियन के एक और राउंड को लेड किया था। PDAX को एस्टैब्लिश 2018 में किया गया था और ये देश के 18 सेंट्रल बैंक लाइसेंस्ड क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। ऐसे में PDAX ने कहा कि वे लोकल डिजिटल एसेट इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंड्स का इस्तेमाल करेगा। फिलीपींस चेन एनालिसिस के क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021 में साउथ ईस्ट एशिया में तीसरे स्थान पर है और सबसे बड़ी संख्या में एक्सी इन्फिनिटी प्लेयर्स का घर है, जिनमें से कुछ गेम से अपना जीवन चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म वैनिक के सीईओ जैन वैन एक ने हाल ही के एक पब्लिकेशन में लिखा है कि स्टेबल कॉइन्स को इन्वेस्टमेंट फंड्स की तरह माना जाना चाहिए, न कि बैंकों की तरह। एक ने तर्क दिया कि रेगुलेटर्स को स्टेबल कॉइन्स को बैंकों के रूप में मानने के इंसिस्टेंस को समझना मुश्किल था, क्योंकि वे पैसे उधार नहीं देते थे। उन्होंने लिखा है कि बैंक रेगुलेशन असल में किसी तरह की सरकारी गारंटी का संकेत दे सकता है। कुछ हफ्ते पहले डोमेस्टिक फाइनेंस के लिए ट्रेजरी अंडर सेक्रेटरी नेली लियांग ने कांग्रेस के सामने टेस्टिफाई किया था कि स्टेबल कॉइन्स बैंक लाइक प्रोडक्ट्स हैं, साथ ही ये एक इन्वेस्टमेंट लाइक प्रोडक्ट भी है, जिसके कारण एक रेगुलेटरी गैप था। अपनी टेस्टिमनी में लियांग ने कहा कि बैंक लाइसेंस के बिना टेक्नोलॉजी कंपनीज को स्टेबल कॉइन्स की पेशकश नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए प्रेसिडेंट के वर्किंग ग्रुप नाम के रेगुलेटर्स के एक ग्रुप ने पिछले साल एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें सिफारिश की गई थी कि स्टेबल कॉइन्स बैंकों के समान रेगुलेशंस के तहत आते हैं। एडिडास, फेसबुक और टर्किश गवर्नमेंट के बाद साउथ कोरिया का सोवरेन वेल्थ फंड मेटावर्स को एक्सप्लोर करने वाला नेक्स्ट जायंट हो सकता है। $200 अरब के कोरिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के हेड सियोंगो जिन ने घोषणा की है कि KIC मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने पर विचार कर रही है। सीईओ जिन ने कोरियन मीडिया को बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि सिलिकॉन वैली सैचुरेटेड है, लेकिन उसके हिसाब से यह अभी भी ग्लोबल ग्रोथ का एक सोर्स है। जिन ने कहा कि फंड 2025 तक अपने पोर्टफोलियो का लगभग 25% हिस्सा अल्टरनेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है और अनुमान लगाया गया है कि फंड की एसेट वैल्यू अंडर मैनेजमेंट $300 बिलियन तक बढ़ सकती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इंडस्ट्री के कार्बन फुटप्रिंट के बारे में एनवायरमेंटलिस्ट की क्रिटिसिज्म का सामना करने के बाद NFTs के सेल को रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में WWF ने एक ट्वीट में अपने NFTs को प्रूफ ऑफ स्टेक पॉलीगॉन नेटवर्क पर लॉन्च करने की घोषणा की, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी चॉइस ऑफ ब्लॉकचेन एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगी। WWF ने उस समय कहा था कि इको फ्रेंडली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर हमारे NFTs को जारी करते हुए एक ट्रांजैक्शन में एक ग्लास ऑफ टैप वाटर के बराबर कार्बन एमिशन होता है। इस ट्वीट के बाद से पॉलीगॉन नेटवर्क का कार्बन फुटप्रिंट जांच के दायरे में आ गया है। डिजिकॉनमिस्ट वेबसाइट के फाउंडर एलेक्स डी व्रीस जैसे क्रिटिक ने कहा कि पॉलीगॉन ट्रांजैक्शन का कार्बन फुटप्रिंट 430 ग्राम CO2 के करीब है, जो कि WWF द्वारा प्रोवाइड किए गए अनुमान से लगभग 2100 गुना ज्यादा था। WWF ने घोषणा की है कि उसने पिछले शुक्रवार को ही NFT सेल्स रोक दी है और वो इस नए मार्केट को पूरी तरह से समझते हुए अपने सपोर्टर्स के साथ आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी पर विचार करेंगे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।